आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम संस्कृत का मॉडल पेपर 2 देखते हैं और इसमें काफ़ी बेहतरीन 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, महा प्लस औषधि में संधि कीजिए। जल्दी सोच लीजिए भाई, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। जल्दी आप अपने पास से लगाने की कोशिश कीजिए, 5 सेकेंड है आप सभी के पास। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोह प्लस डी। ठीक है, संस्कृत में कंधा के लिए शब्द प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है। आपको बता देता हूँ कि संस्कृत के भी प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब बार बार कुछ आपके पास कोई भी बुक है, वहाँ से आप उनका एग्जाम्पल का बार बार रिवीजन करना। जब आप 5 से 6 बार उनका रिवीजन करोगे ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस वर्ड के अंत में ये वर्ड आ रहा, तो ये वाला प्रत्यय लग रहा है। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कीर्तन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर पद में समास है कौन सा है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविधि समास। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह का उच्चारण स्थान है, वह का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी सोच लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत प्लस औषधि। सर्व पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा, जो सर्व है, सर्वनाम है एक, इसका पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो वही क्वेश्चन क्या पूछा, पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, नी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा। अब भाई धातु में तुमन जब प्रत्यय लगेगा तब कौन सा वर्ड बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ने तुम। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, ने तुम, ठीक है, अपनी तरीके से याद कर लेना। मेघदूतम के लेखक कौन है, मेघदूतम किसने लिखी है, इसके रचनाकार कौन है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। तो मेघदूतम के रचनाकार हैं दोस्तों कालिदास, बी। नाइन क्वेश्चन, नैस्तीय चरित्रम रचना के रचनाकार कौन है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, पे वजह टाइम वेस्ट होता है, मुझे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें देनी है। तो नैस्तीय चरित्रम रचना के रचनाकार कौन है, बी श्रीहर्ष। टेन क्वेश्चन भाई, 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने हैं यूपी टेट में, बिल्कुल भाई अनुमान है हमें, हम गुजर चुके हैं इस लाइन से, इसलिए आपसे चीज़ें शेयर की जा रही हैं, बेवजह आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। कम से कम मिनट में भाई, 7-8 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई 80 को संस्कृत में कहते हैं ऐसी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दृश धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, वही लट लकार का, जैसे हम पढ़ते हैं ना, पटती पटत पढ़ंती पटसी पटत पटत पढ़ामी पढ़ा पढ़ाम, उसी प्रकार दृश का पृश्य धातु में चलता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछा, तो पटती हो जाएगा, पटती पट धातु का पटती हो जाएगा, तो इसी से आपको लिंक कर लेना है भाई। क्या लिंक कर लेना है, आपके सामने ए ऑप्शन आ रहा होगा, पश्यति, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन फिर गिनती पर आता है भाई, 86 को संस्कृत में कहेंगे, आपको बिल्कुल रटवा दिया जाएगा भाई, जुड़े रहिए। 86 को संस्कृत में कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। थर्टीन क्वेश्चन है,
गमिष्यत पद में लकार है, वचन है वही गमिष्यत, ये आपका लिट लकार का रूप है भाई। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे तीन ही मेंशन है, कौन कौन से है भाई, लट, ठीक है पहला ही हो गया, दूसरा लिट एंड तीसरा लोट, ये मेंशन है भाई ज़्यादातर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे बनते हैं। तो आपसे पूछा गमिष्यत पद में लकार है, बहु वचन है, तो बताइए भाई गमिष्यत रूप पढ़े होंगे आपने लिट लकार के, तो एकदम करे होंगे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम पुरुष द्विवचन का और लिट लकार का प्रकार है ये। पवन का संधि विच्छेद है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन हो गया, पावक हो गया, इनके बहुत अच्छे आते हैं, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन पॉपुलेशन भाई। आपकी संस्कृत में पररूप संधि भी है और एक संधि और है, पररूप संधि का सूत्र है भाई, बहुत आता है, अच्छे से देख लेना पररूप संधि का सूत्र क्या होगा, जल्दी आप लगा लीजिए, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा जल्दी से। तो पररूप शब्द का सूत्र है भाई एडी पर रूपम, देखो भाई इसमें भी रूपम आ रहा है तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो। आपसे पूछेगा कि पर रूपम का क्या, एडी पर रूपम, तो आपके ऑप्शन में ही रूपम दिखाई दे जाएगा, तो आप कनेक्ट कर लेना। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी, क्या हो जाएगा भाई, 15 का हो जाएगा बी। बालक अधः पठन गच्छति, इस वाक्य में अवयव पद है, मैं आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और अवयव पूछा जा सकता है, तो इसमें अवयव क्या होगा, चार ऑप्शन आपके पास है, 16 का देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधः। शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है भाई, दृश्य सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है, जो देख के हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इनमें से क्या नहीं होगा, जल्दी आपको चारों ऑप्शन पढ़ के आप इजीली लगा सकते हो, क्या होगा दोस्तों इसका, रेडियो। 18 क्वेश्चन है, पुसैव्य है इस प्रहति वाक्य में, पुसैव्य में कौन सी विभक्ति है, वचन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जल्दी देख लीजिए भी कौन सी होगी इसमें, पुसैव्य में विभक्ति है वचन बोचा है, तो कौन सी है भाई, ये डैश डैश लगे हुए हैं यार, इनके बीच में कोमे हैं, ठीक है सभी के, आप भी लगा लेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति व बहुवचन। नवरात्रम पद में समास होगा भाई, देख लो गिनती का वो दो रहा, कौन सा समास होगा, जल्दी आप लगा सकते हो, दिग्यू क्रमधारय तत्पुरुष द्वंद, तो क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा राइट इसका भाई, 19 का, तो इसका हो जाएगा डी, दिग्गु समास। 20वां क्वेश्चन है, पट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, पट का भुजा है भाई, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और द्विवचन में रूप भुजा है, तो क्या होगा भाई, आपसे रूप बहुत आते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ काफ़ी ध्यान देने हैं भाई, रूप को आप बार बार रिवाइज कीजिए, लिख के देखिए, इजिली याद होने लगते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छे लग रहे हैं और आप भी सीरीज रेगुलर चाहते हो, रोजाना चाहते हो, तो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और हाँ लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको मॉडल पेपर 1 कराया था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 22 वो गलती से अचानक से वो सी लग गया था, लेकिन उसका बी ऑप्शन है, ठीक है, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं और अनार को दड़ीगम बोलते हैं, तो आप ये देख लेना भाई क्वेश्चन नंबर 22 को पिछली वाले मॉडल पेपर 1 में उसको ऑप्शन बी कर लेना, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर लेक्चर में।